एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल लड्डू। ये देखिए, ये हमने चने का आटा लिया है, चना पिसवाया है, मतलब बेसन नहीं है। ये है 250 ग्राम और बेसन है 200 ग्राम। बादाम लिए हमने 100 ग्राम। ये जो मखाने हैं ये हमारे 40 ग्राम हैं। और ये हमने घी लिया है, ये देसी खांड है, देसी शक्कर कहते हैं जिसको। और ये हमने पिंड खजूर लिए हैं, बीज निकाल दिया है उनका। ये काजू हैं। तो सबसे पहले हम काजू, मखाने और बादाम को कूट लेंगे मिक्सी में, मतलब दरदरा कूट लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये काजू को ऐसे दरदरा मिक्सी में कर लिया है और ये हमने बादाम को कर लिया है, ऐसे कूट लिया है। ये हमने मखाना कर लिया है, तो इस टाइप से आप कर लें। पहले मैंने ड्राई रोस्ट करके मखाने रखे हुए थे, तो ऐसे सीले हुए नहीं है। और ये हमने एक नारियल को ना ग्रेट कर लिया है। ये ग्रेट करने के बाद ना 104 ग्राम के करीब है। तो ये सब हम चीजें इसमें यूज करने वाले हैं। तो ये हमने लिया है एक कप घी। पहले मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, ये घर का निकला हुआ घी है। थोड़ा सा घी डालकर हम डालेंगे इसमें बेसन और चने का आटा। तो हम इसमें डाल रहे हैं ये आटा, और जितना भी घी को ना जलाना नहीं है एकदम। ये नहीं कि घी बहुत गर्म हो जाए तब आप करें, क्योंकि वो कच्चा घी होना चाहिए, बस पिघल जाए। और आप ये सारा डाल के थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ऐसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे। हम ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये पूरा घी हमने ये डाल दिया है, एक कप पूरा डाल दिया है। और इसको मिक्स करके देखते हैं। घी हमें और भी डालना है, एक कप घी हमने और ले रखा है, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ये। और बस ये देखेंगे इसको भून के कि थोड़ा सा अच्छे से भुनने लग जाए, इतना घी सफिशिएंट है। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे, हमें तेज आंच पे नहीं रखना है, तेज गैस पे नहीं करना है इसको धीमे। देखो इसमें भूनने में टाइम लगेगा, ये कोई ऐसे फास्ट नहीं बनते हैं। जितना आप अच्छा भूनेंगे उतना आपको लड्डू ना कच्चा कच्चा नहीं लगेगा। तो आप बहुत पेशेंस के साथ इसको चारों तरफ से हिलाते हुए, बिल्कुल भी थोड़ी देर भी छोड़ना नहीं है। और हमने ना बेसन और चने का आटा अच्छे से छान लिया था, तो उससे क्या है कि गांठें नहीं पड़ती हैं, और फिर कोई भी इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाती है। तो हम इसको भूनते हैं धीरे धीरे, इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो थोड़ा भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमें 10 मिनट करीब भूनते हुए हो गया है, बिल्कुल स्लो गैस पे हम 10 मिनट से भून रहे हैं। तो अगर हम आपको पूरा भूनते हुए दिखाएं ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट पेशेंस से देखिए, हैवी बॉटम की कढ़ाई है जिसमें बिल्कुल नहीं लगता है नीचे। ये चीजें नॉनस्टिक में नहीं बनानी चाहिए, लड्डू वगैरह ना, जब आप बेसन भूनते हैं, क्योंकि जितना अच्छा बेसन भुना होगा उतना ही ये टेस्टी लगेगा। और भुने चने के हैं तो बहुत पौष्टिक हैं। तो ऐसे हम इसको लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। जब कलर थोड़ा चेंज होगा, हालांकि होना शुरू हो गया है, तब फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये अब अच्छा भुनना शुरू हो गया है, सिक गया है खूब अच्छे से, खुशबू आने लगी है। घी भी देखिए आप ऐसे हो गया है, जाली पड़ने लगी है ना, आपको दिख रहा है। और इस समय ना बहुत जल्दी से जलने के चांसेस रहते हैं, तो हमें बिना देरी किए अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो जो भी है, ये कटे हुए बादाम और ये है ना अखरोट वगैरह, अखरोट नहीं सॉरी, कटे हुए बादाम और काजू, ये हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे इनको अच्छे से। ये देखिए, लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे हमें भूनना है। ये ना चना और बेसन इतना गर्म होता है कि जैसे हम ये चूरा करके डालते हैं ना इसका, ड्राई फ्रूट्स का, तो वो बहुत अच्छे से भुन जाता है। तो आपको अलग से घी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये आधा किलो के ही बना रहे हैं, मतलब सोचिए 450 ग्राम, 200 ग्राम बेसन, 250 ग्राम चना, तो उसमें ये परफेक्ट बैठता है। इस तरह से देखिए भुनना शुरू हो गया। इसके साथ साथ हम इसमें मखाने डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने बहुत घी नहीं डाला है, आप चाहें तो यहां थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। ये मखाने भी अच्छे से भुन जाएं, मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं कोकोनट ग्रेटेड।
अब हम इसमें ये जैसा कि मैंने बोला नारियल किसा हुआ डाल रहे हैं। ये पका हुआ गोला आता है ना, उसको हमने घर पर ही ग्रेट कर लिया। जो नारियल का बुरादा आता है वो बहुत सूखा होता है, तो मुझे ये ज्यादा टेस्टी लगता है, तो बुरादे की जगह ना आप ये डालिए। अब ये देखिए परफेक्ट भुन गया है, बहुत ही अच्छा कलर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे लड्डू का कलर होता है ऐसे भुन गया है। हमने कोकोनट भी इसमें डाल दिया था, बढ़िया से भुन गया है। अब हम इसको आधे को ना अलग करते हैं, मैं आपको दो तरह से बताऊंगी। तो आधे को मैं परात में निकाल लेती हूँ, एक बड़ी परात में, और आधा हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। ये देखिए हमने आधा निकाल लिया, आधे में हम डाल रहे हैं ये देसी खांड। सारा कुछ क्या क्या मैं यूज कर रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप उसमें जरूर देखिएगा। अगर मैं कुछ स्किप हो जाती हूँ तो उसमें जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं लिख दूंगी। इसको मिक्स करते हैं, गैस को ऑफ करते हैं, गैस को हमने ऑफ कर दिया है बट लगातार चलाते रहेंगे। ये आधा मैंने अलग परात में निकाल के रख लिया है। देखिए ये हमने मिला ली है और मैंने टेस्ट करके देखा है 150 ग्राम खांड में से ना मेरी एक या दो टेबलस्पून बची है, तो मैं नहीं डाल रही हूं क्योंकि मुझे ये परफेक्ट मीठा लगा। तो आप चख के जरूर देख लें कि कितना कम और ज्यादा आपका लग सकता है हाफ पोर्शन में। और ये जो बचा हुआ आधा है ना, इसमें हम ये डेट्स को बारीक काट लिया, हमने सीडलेस डेट्स हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। देखिए ये देखिए बिल्कुल ऐसे मैश हो जाएंगे। तो मैं इसको बिना चीनी के बना रही हूँ, तो ये हम डेट्स इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे इसको। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए ना तो हम इसको हाथ से करेंगे, अभी हल्का गर्म है इसलिए इसको बीच में कर देंगे, तो गर्म होने के बाद ना ये थोड़ा सा उसमें सॉफ्ट हो जाएंगे और ज्यादा। तो ये देखिए जो पिंड खजूर थे ना, जो खजूर हैं, उनको जहां जहां अब हल्का गर्म रह गया है, तो जहां जहां भी ये गांठें जैसे बनी हुई है उनको हाथ से करेंगे। जब तक गर्म था तो हमने उसे पलटे से किया, हल्का गर्म है अभी तो इसको हम अच्छे से, ये ना कम घी में भी बन सकता है ताकि ये ऐसे बाइंड हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और मैं फिर से आपको कहूँ कि चीनी जो है मीठा कितना है इसमें, ये आप चख के देख लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप डेट्स और डाल सकते हैं। और ये देखिए कितने बढ़िया से ये बंध रहा है, गरम है हल्का सा। ये देखिए हमने हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, बिल्कुल कहीं भी गांठें नहीं है, पूरा परफेक्ट है। और अब हम इसको ना ऐसे लड्डू की शेप में जितना आपको बनाना है, जितना भी बड़ा लड्डू बनाना है उसको आप ऐसे करके, कोई भी घी का हाथ या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, और बड़े परफेक्ट घी से भी ज्यादा बढ़िया लड्डू ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इसको गोल कर लीजिए, जितना बड़ा आपको साइज चाहिए उतना बना लीजिए। और ये देखिए विदाउट शुगर लड्डू बनकर तैयार हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि अभी गर्मी में नहीं खाओ, बरसात में नहीं खाओ, कितना खाएंगे आप बाजार की मिठाई भी खाते हैं ना, तो ना तो इतने ड्राई फ्रूट्स हैं, 100 ग्राम बादाम इतने सारे लड्डुओं में है, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी करेंगे। और कुछ चने का आटा है, तो मुझे नहीं लगता कि एक छोटा सा लड्डू खाने में कोई प्रॉब्लम है, आप बाजार की मिठाई भी तो खा लेते हैं। तो ये देखिए एक ही साइज के हम ऐसे लड्डू बनाते चले जाएंगे और बनाकर आपको दिखाते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये, तो ना जिसको लड्डू बनाने नहीं आते ना वो भी बना सकता है, क्योंकि ये स्टिकी होते हैं ना पिंड खजूर। तो मजेदार से ये लड्डू बनकर तैयार हैं, अपने बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बनाकर दिखाती हूँ आपको सारे। ये देखिए ये हमारे लड्डू बनकर तैयार हैं, और ये लेमन जितने साइज के हैं, देखिए ये लेमन जितना साइज है, और 40 के करीब हमारे ये टोटल बन गए हैं। तो यानी बहुत ही बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हैं, आप जरूर ये ट्राई कीजिएगा। भुने चने के साथ खजूर मैंने शायद आपने कभी वीडियो नहीं देखी होगी, ये मेरी अपनी सोच है, अपनी ट्राई है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और फिर बताइएगा कैसे लगा। विदाउट शुगर लड्डू हैं, और ये जो हमने घी वाला था ना, जो बूरा वाला लड्डू था, देसी बूरा वाला, ये वो है, अब हल्का गर्म रह गया है क्योंकि वो लड्डू हमारे जल्दी बन गए हैं, तो हमने इसको कढ़ाई में ही ढक के रख दिया था। और अब इसका हम बताएं, मैंने थोड़े से बनाने शुरू किए थे, ये थोड़ा मुश्किल से थोड़ा जुड़ता है, तो ये आपको थोड़ा ऐसे एक दो बार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं घी और नहीं डालना चाह रही। अगर आपका ना बंधे तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। तो मैंने ये भी पहले बना के कुछ रखे थे, ये वाले लड्डू हैं,
तो ये इस तरह से थोड़े से डिफरेंट है। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारे ये दो तरह के लड्डू बनकर तैयार हैं, एक घी और ये बूरा वाले और एक ये खजूर वाले विदाउट शुगर। तो ये देखिए आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।